हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकती है, ठीक है, वो भी फोटोशॉप के बिना। अगर आपको फोटोशॉप में कुछ भी नहीं आता है तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही जो टफ फोटो है जिसमें दाढ़ी रहता है उसमें कटने में मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज मैं पूरा अच्छा एक सिस्टम दिखाऊंगा जिसके द्वारा आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकती है। तो अभी मेरा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ किस तरह से कर सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो फोटोशॉप में बैकग्राउंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है जिसमें दाढ़ी रहता है, ठीक है। तो आज मैं दाढ़ी वाला फोटो को रिमूव करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह से आप करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरा कंप्यूटर में कुछ फोटो रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकती है, यहाँ पर कुछ फोटो है, ठीक है, ये देख सकती हो आप कुछ फोटो है। तो ये जो फोटो है इसमें देख सकती हो यहाँ पर दाढ़ी है, ठीक है। इसमें काटने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है फोटोशॉप के द्वारा, ये पूरा मैच नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये सब फोटो में आप लोगों को करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका एक ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है बीजी रिमूव, REMOV, इस तरह लिखना है बीजी रिमूव, ठीक है। इसमें लिखने से आपको ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकती हो आप अपलोड फोटो, ठीक है। ये सिस्टम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी वाला बैकग्राउंड रिमूव होगा। तो अभी क्या करूँगा मैं, ये जो फोटो है इसको मैं रिमूव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस फोटो को सीधा यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दिया, तो देख सकते हो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अपलोड होने के बाद तुरंत ये हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पर देखो पूरा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा आप यहाँ पर इमेजेस मिल जाएगा बैकग्राउंड में, वो आप लगा सकती हो। यहाँ पर देख सकती हो बहुत सारा है, जिसमें भी क्लिक करोगे वो जो बैकग्राउंड है वो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लग गया। अभी मेरा मेन मकसद है कि मैं जो बैकग्राउंड है उसमें एक कलर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकती हो कलर करके लिखा है, इसमें क्लिक करिए और इसमें देख सकती हो मल्टीपल कलर है, बहुत सारा कलर है। आपको जो भी कलर चाहिए सिर्फ उसमें क्लिक करना है, देख सकती हो यहाँ पर जो भी आपको जो काम में चाहिए वो क्लिक करके यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड। तो ये जो फोटो है ये पूरा कन्वर्ट करके आप लोगों को डाउनलोड करके दे दिया। तो अभी आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा से ये बैकग्राउंड है रिमूव हो गया है, देख सकते हो यहाँ पर पूरा दाढ़ी जो है वो अभी भी है, ठीक है। अगर आप फोटोशॉप के द्वारा मैनुअल करेंगे तो इसमें आपको कटने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इस तरह आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, और करने से भी एक घंटा लग जाएगा मिनिमम अगर इसको पूरा इस तरह से करना है। तो अभी आप देख सकती हो अभी आपको जो भी फोटो चाहिए प्रिंट करना है तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकती हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और भी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से मैं इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी जो फ़ोटो है ये फ़ोटो मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकती हो ये अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये देख सकती हो कितना फास्ट अपलोड हो रहा है। तो अभी ये देखो अपलोड होने के बाद ये PNG में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मतलब इसका बैकग्राउंड रिमूव करके PNG होता है। उसके बाद ही ये आप यहाँ पर एडिट करके जो भी कलर चाहिए आपको यहाँ पर सिर्फ लगाना है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पर कलर में क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ये वाला कलर मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर डाउनलोड कर दिया। अगर आपको मान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड में कुछ HD कलर चाहिए, मतलब क्या होता है कभी कभी आपका जो बैकग्राउंड ब्लर सही है इस तरह से रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ब्लर फोटो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई ब्लर पिक्चर सही है, अगर जैसे देख रही हो यहाँ पर क्लिक करने से ये इमेज देख सकते हो यहाँ पर ब्लर कर देंगे, ठीक है, जो भी कलर है वो बैकग्राउंड में यहाँ पर देख सकती हो जो सिलेक्ट आप फोटो, ठीक है, इसमें करके आप इसका जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ ब्लर पिक्चर लगा सकती हो
ऐसा लगेगा कि आपके DSLR से फोटो लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकती हो ये फोटो का पूरा चेंज हो गया। अभी इसमें सिर्फ मैं यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं फोटोशॉप में आपको लेके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से ये लुक चेंज हो गया पूरा कम्प्लीटली। तो इसी तरह से आप कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही।